नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन। तो देखिए, बड़ी खबर अब मोदी और ममता बनर्जी के हवाले से आ रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी ने लगातार एक तो ऐसा, अगर उनकी रैली की बात करें तो रैलियों में कुछ बहुत कुछ बोलती रहती है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, ममता बनर्जी खासकर। लेकिन अब देखिए, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जो उनकी रैली हुई थी कल शाम को जो रैली हुई थी, उसमें खुलेआम धमकी दे चुकी है कि 2024 में जो ममता बनर्जी है, जो टीएमसी है, वो बिना किसी विपक्ष की साथ के, यानी कि कांग्रेस का साथ नहीं होगा, किसी भी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं होगा, कोई भी पार्टी हो उनका साथ, बिगर उनके साथ के अकेले अपने दम पर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी गिरा देंगी और 2024 में देखिए कि वही प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसा ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा दावा कर दिया है कि विपक्ष पूरा का पूरा हिल गया है। क्यों हिल गया है? क्योंकि ममता बनर्जी ने यह बोला है कि अकेले अपने दम पे ये सब करेगी, किसी के साथ की उन्हें जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि 2024 में उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि वो संन्यास ले लेंगी 2024 के चुनावों के बाद, यानी कि अपने जो अगर टीएमसी लड़ती है, टीएमसी जीतती है तो वो प्रधानमंत्री बन भी जाती है, तो उसके बाद देखिए वो संन्यास ले लेंगी। ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि उनकी आखिरी लड़ाई होगी 2024 की, उसके बाद देखिए राजनीति से संन्यास ले लेंगी और अपने भतीजे को, अभिषेक बनर्जी को वो आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को 2024 में भारत से आउट करने का जो वादा दिया है वो बेहद ही अचंभा है। क्योंकि मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को देखिए एक नेशनल पार्टी सम्मान सकता है, हालांकि टीएमसी भी नेशनल पार्टीज में आती है, लेकिन उतना बड़ा रसूख देखिए पूरे भारत में टीएमसी का नहीं है जितना बीजेपी का है और कांग्रेस का भी नहीं है इस वक्त। तो आप देखिए, कांग्रेस लगातार अपने अस्तित्व से जूझ रही है, जो उनका परिवारवाद है कांग्रेस का वो खाता जा रहा है, और अब देखिए कि परिवारवाद की वजह से टीएमसी भी लगातार नीचे गिरते जाती है, लगातार भ्रष्टाचार देखिए सामने आ रहा है टीएमसी का। उनके भतीजे, जिस भतीजे को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है वेस्ट बंगाल का, तो उसी भतीजे पर देखिए कि यहाँ पे सीबीआई ने उनको समन भेज दिया है, ईडी ने भी समन भेज दिया कि 2 सितंबर को उनको पेश होना है दिल्ली में, नहीं होते तो गिरफ्तारी होगी उनकी। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी इतना बड़ा वादा तो ठोक चुकी है, लेकिन इसको पूरा कैसे करती है ये बड़ी बात है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।